हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आप जोमेटो में काम करते हैं तो आपको क्या क्या सामान कैरी करना पड़ेगा दोस्तों, वो चीज मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो गाइस, यहां पे मेरे पास गाइस सब कुछ पड़ा हुआ है कि अगर आप एक जोमेटो में या फिर स्विगी में दोस्तों काम करते हैं तो कौन कौन चीज आपको लेके चलना पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे गाइस सबसे पहला चीज वो है कि आपका ड्रेस, ठीक है, वो तो आपको पहन के निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पे बैग जो है दोस्तों ये आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दोस्तों आपको बहुत बार क्या होता है कि सेल्फी मांगता है, तो आपका ड्रेस और बैग का सेल्फी एक साथ मांगता है, तो आपको बैग कैरी करना पड़ेगा। और दोस्तों बैग में खाना भी बहुत ज्यादा आता है, तो आपको इसमें कैरी करने में सुविधा होता है, ठीक है। तो बस पहले तो बैग कैरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बहुत सारे जो सामान है दोस्तों इसमें आपको मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, पहली बात है कि आपका ये जो रबर है ये दोस्तों काम में आने वाला है इस बैग को बांधने के लिए। अगर आप इस बैग को बांधते हैं सीट के ऊपर तो आपको बैग जो रबर है ये लगेगा, ठीक है। गाइस, ये तो मेरा वॉलेट है, ये तो आपको चाहिए ही। और गाइस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एक हेडफोन, ठीक है। गाइस, ये दोस्तों आपको काम आता है कॉल करने में, जब भी आप कॉल लगाते हैं कस्टमर को, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आते हैं हैंड ग्लव्स। दोस्तों अगर आप 8-9 घंटा काम करते हैं लगातार तो आपको हैंड का सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो आपको ये हैंड ग्लव्स बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और गाइस, उससे भी दोस्तों बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आपका फोन में चार्ज बहुत कम रहता है और दोस्तों अगर आप 8-9 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तो आपको एक पावर बैंक कैरी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और गाइस, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है अगर बारिश का मौसम में अगर काम करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक रेनकोट कैरी करना पड़ेगा, जो कि गाइस यहाँ पे जोमेटो की तरफ से आता है। तो दोस्तों ये मैं 350 में लिया था, तो रेनकोट आपको कैरी करना पड़ेगा अगर आप बारिश के मौसम में काम करते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये इस बैग में दोस्तों आपको ये सब कुछ मैंने दिखाया कि रेनकोट है, ग्लव्स है दोस्तों, आपका एक गाइस यहाँ पे पावर बैंक है, हेडफोन है, और दोस्तों यहाँ पे आपका आता है बैग, और गाइस यहाँ पे एक रबर, ठीक है। और गाइस, जो ड्रेस है वो तो है ही। और दोस्तों अगर आप वीडियो बनाते दोस्तों एज अ ब्लॉगिंग करते हैं आप, तो फ्रेंड्स आपको एक हेलमेट में कैमरा भी जरूरी है दोस्तों, जो कि मेरे पास यहाँ पे GoPro 11 है। तो गाइस यहाँ पे मैं इस तरह सेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो गाइस, जोमेटो हो या फिर गाइस स्विगी हो, जो भी हो, अगर आप काम करते हैं एज अ डिलीवरी बॉय तो आपको ये सब लेकर के चलना होगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मेरे पास एक चीज, गाइस ये है मेरा मोबाइल, और दोस्तों ये है जोमेटो का पाउच, ठीक है गाइस, जो कि बारिश में इसको सेफ करेगा, बचाएगा पानी जाने से। दोस्तों बारिश में आप आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस, एक पाउच भी दिया हमें जोमेटो की तरफ से। तो गाइस, ये सब कुछ आपको लेके चलना है अगर आप काम करेंगे जोमेटो में या फिर स्विगी में, या दोस्तों अगर आप रैपिडो में काम करते हैं तो गाइस यहाँ पे सिर्फ जो गाइस आपका जो बैग है और गंजी है ये छोड़ करके आपको सब कुछ लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, ये सब कुछ था आज के वीडियो में, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है कि आपको क्या लेके चलना है, नहीं चलना है, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, प्लीज एक लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।